गदरपुर में घर की पहचान लाडली के नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग उदय प्रताप सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम में 25 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर रस्म के साथ 25 छोटे बच्चों का अन्न प्राशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसी के साथ 50 छात्राओं को स्कूल की ड्रेस बांटी गई। इस दौरान गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से घर की लाडली, घर की पहचान ऐसी योजना लागू की है। आज अन्नप्राशन एवं गोद भराई रस्म जैसा सरकारी कार्यक्रम हुआ है, निश्चित ही देश के प्रधानमंत्री जो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, उस वाक्य को आज पूरा करने का काम किया है। और इसे विभाग ने आज बहुत अच्छा गायत्री मंच उच्चार के माध्यम से बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। मैं पूरे डिपार्टमेंट के माध्यम से केंद्र की गवर्नमेंट को, मोदी जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास भारत सरकार और उत्तराखंड गवर्नमेंट के सहयोग से जिलाधिकारी महोदय के तत्वावधान में, उनके मार्गदर्शन में आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम गदरपुर के इस बाल विकास परियोजना में ये कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, जिसमें 50 बच्चियों को हम लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं GGIC की, उनको एक एक जो है हम लोग यूनिफॉर्म भी इसमें उपलब्ध करा रहे हैं। और 25 महिलाओं को इसमें हम लोग क्या नाम है गोद भर में इसमें हम लोग संचालित कर रहे हैं। इसके अलावा 25 बच्चों का हम लोग आज नामकरण संस्कार भी इसमें कर रहे हैं।